हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 में फिफ्थ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। पिछले क्लास हम लोग एडसॉर्प्शन पढ़े थे, आज है मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। सारा डेटा आपको लिखा गया है, आपको केवल समझना है, ठीक है। जैसे कोई भी एक सॉलिड सब्सटांस है तो सॉलिड का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से होता है। और सॉलिड का गुण क्या होता है कि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये मान लीजिए एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ है सब्सटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अंदर में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बैलेंस फोर्स से जुड़ा रहता है, बैलेंस्ड फोर्स से जुड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन जो अपर पार्ट पे जो पार्टिकल्स है, ये जो अपर पार्ट है ये अनबैलेंस्ड फोर्स से जुड़ा रहता है। अंदर में अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को खींच रहा है, ठीक है, ये भी चाहता है किसी को खींचना, तो ये क्या करता है, ये बाहरी पार्टिकल को खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जो फोर्स होता है वो अनबैलेंस्ड एट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसको रेसिडुअल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी सरफेस पे जो है वो हमेशा ही अनबैलेंस्ड एक एट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिस कारण एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है एडजॉर्बेट के एट्रैक्टिव फोर्स के कारण, अनबैलेंस्ड एट्रैक्टिव फोर्स के कारण। अब जैसे जैसे ये सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो फोर्स ज्यादा होता है, और जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होते जाता है सरफेस एरिया घटता है, दैट मीन सरफेस एनर्जी भी घटता है। सरफेस एनर्जी जो घटता है वो हीट के फॉर्म में निकलता है, यानी डेल्टा एच हो जाएगा क्या, नेगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है, अनबैलेंस्ड रेसिडुअल एट्रैक्टिव फोर्स के कारण। सरफेस एरिया या सरफेस एनर्जी धीरे धीरे घटते जाता है, ठीक है, वो डिक्रीज जो होता है हीट के फॉर्म में प्राप्त होता है, निकलता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, जिस कारण ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब पार्टिकल, जो गैस पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, और जब उसका एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है, When gas particles are moving and stay on the surface of solid particle, then what happens? The entropy of these molecules decreases. The freedom of these molecules decreases. The disorderness decreases. ध्यान दीजिएगा। That means delta S will be negative. Clear? When the gaseous molecular species holds the surface, its freedom or its movement decreases. That means entropy decreases, and hence delta S will be negative. जब भी पार्टिकल्स मूव कर रहा है और इस पे स्टे कर जाएगा तो उसका फ्रीडम क्या होगा, घटेगा, तो इंट्रोपी नेगेटिव होगा। और 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच नेगेटिव है, सरफेस एरिया घट रहा है एनर्जी के फॉर्म में, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव क्योंकि फ्रीडम घट रहा है, इंट्रोपी घट रहा है, तो डेल्टा जी भी तो नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी नेगेटिव कैसे होगा। अब देखिए आप फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच नेगेटिव क्योंकि सरफेस एनर्जी घट रहा है, हीट के फॉर्म में निकल रहा है, डेल्टा एस नेगेटिव क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट, गैसियस पार्टिकल्स का मूवमेंट घट रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, डेल्टा एस नेगेटिव। तो फिर डेल्टा जी किस हालात में नेगेटिव होगा, जब
डेल्टा एच का नेगेटिव माइनस टी डेल्टा एस से ज्यादा होगा। अब देखो माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो गया। डेल्टा एच का वैल्यू जब ज्यादा नेगेटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए, दैट मीन्स प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, डेल्टा एच का हाई नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, यानी इंथाल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है एडजॉर्प्शन का, डेल्टा एच घटते जाता है क्योंकि सरफेस एरिया भी घट रहा है, कम सरफेस रहता है एडजॉर्प्शन के लिए, कम हीट रिलीज होता है, तो डेल्टा एच का वैल्यू घटते जाता है, लेस नेगेटिव होते जाता है, लेस नेगेटिव होते जाता है। एक टाइम आता है ऐसा जब डेल्टा एस टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है तो डेल्टा जी जीरो हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। तो ये सारा चीज आपको लिखा गया है, आप इसको समझा दिए हैं, आप इसका नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। चलिए बाय।